आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कि एतकाफ कितने दिनों का करना है। तो देखिए एतकाफ की कोई मुद्दत नहीं है, लेकिन इतना है कि कम से कम एक रात का एतकाफ करना चाहिए। सही बुखारी की हदीस है कि अल्लाह के नबी से उमर फारूक रज़ी अल्लाह ने पूछा कि कुंतु नज़रतु फिल जाहिलियति अन अअतकिफ लैलतन फिल मस्जिद अल हराम, कि मैंने ज़माने जाहिलियत में नजर मानी थी कि मस्जिद हराम में एक रात का एतकाफ करूंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फऔफ बिनज़रिका, तुम अपनी नजर पूरी करो। इससे पता चलता है कि एक रात का भी एतकाफ कर सकते हैं। तो एतकाफ की असल में कोई मुद्दत नहीं है, कम से कम एक रात का सबूत मिलता है तो हम ये कहेंगे कि कम से कम एक रात हो, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं है, जितना चाहे आदमी एतकाफ कर सकता है। अलबत्ता रमजान के ताल्लुक से इतना जरूर है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आम मामूल है वो यही कि आप सल्लम रमजान में आम हालात में 10 दिनों का एतकाफ करते थे। इसलिए रमजान में अगर कोई एतकाफ करता है तो उसे 10 दिन का एतकाफ करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सबसे यही चीज साबित है। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें